आलमी वबा की दूसरी लहर में शिद्दत, कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान के 5 सरकारी तालीमी इदारे बंद। महकमा दाखिला को कोरोना केसेस के एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए लेटर इरसाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की मुतासरा तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स और टीचर्स की स्क्रीनिंग करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 ने तालीमी इदारों में डिसइंफेक्शन का अमल शुरू कर दिया। सुबह भर के जुडिशल अफसरान की सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जिलाई अदलिया को 1576 लैपटॉप्स मुहैया कर दिए। सिविल अदालतों के 1102 और सेशन अदालतों के 654 जजेस को लैपटॉप्स फराहम किए गए। मुल्तान की 29 सेशन और 45 सिविल अदालतों के जजेस के लिए भी लैपटॉप्स मुहैया किए गए। डायरेक्टर जनरल पीएचए मुल्तान डॉक्टर मलिक आबिद महमूद का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। डोगर पार्क, धोबी घाट और मासूम शाह ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया। कहा डोगर पार्क में जॉगिंग ट्रैक मुकम्मल कर लिया है। पार्कों में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मुल्तान और रहीम यार खान में कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्तियां। 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने वाला ही फिटनेस में अहल करार दिया जाएगा। डीआईजी आगा यूसुफ और डीपीओ मुंतजिर मेहदी दौड़ की निगरानी में मसरूफ। और विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में बीएस प्रोग्राम में इवनिंग क्लासेस के तहत दाखिला टेस्ट का आगाज। आज पहला टेस्ट हिफ्ज कुरान का होगा। स्पोर्ट्स और दीगर बुनियादों पर टेस्ट 11 नवंबर तक जारी रहेंगे।